तौहीद दी दावत देने वाले उस कुरान और सुन्नत दी देने वाले ये तो एक ना ही रखा हुआ है ना फला इन्हें फला असल का दावत है कुरान और सुन्नत दी मौजदा हा ना ईसा सलाम का अल्लाह हुक्म दिता हाथों काम अगो अमल दरामद हो ही गल समझ आई ना आरजी बनते हैं मौजदा हा हमेशा रावण वास्ते थोड़ा परिंदा बनिया चू चवा करे चक्कर मकर कटिया उस तो बाद खाता मुर्दा हा अल्लाह पाक ईसा सलाम को मौजदा देता मुर्दा जिंदा हो करता उठी कर भेज नहीं ला वो जिंदा हो थोड़ी देर जिंदा होता बात मर है तो अगर ए तो मसला ही हल हो गया मुर्दे जिंदा ही नहीं तो बात मौजदा ईसा सलाम का तो ना हो और ईसा सलाम का भी मौजदा ता बन सी तो पहले मुर्दा मनना पोसी होया हो तुम्हारे लिए मेहनत तीन मट्टी से कायत तायल शक्ल परिंदे दी फअनफुखु फीह बस फूक मारेगा उस परिंदे में फयकूनो बस हो जाएगा वो ताइरम बिइज़्निल्लाह परिंदा अल्लाह के हुक्म के साथ ना के बिइज़्नी मेरे हुक्म दे नाल अल्लाह दे हुक्म नाल परिंदा हो जाएगा वा उबरियुल अकमा और अंधे को ठीक मादा साथ अंधे को दुरुस्त कर देने वाला होगा वल अबरस और अबरस बीमारी जे दे वजूद ते फोड़ो हाथ फिरे दाती सल सलाम ठीक होए ने व उहिल मौता जिंदा करेगा मुर्दों को ये सारे काम होने बे इज्निल्ला अल्लाह दे हुक्म नाल ये सारे काम अल्लाह दे हुक्म नाल होने मादर जात अंदा ठीक हो वेना बार साली बीमारी अल्लाह सेट हो वेना मुर्दे दा जिंदा हो वेना बे इज्निल्ला के दे नाल होसी अल्लाह दे हुक्म नाल देखो दादा पे सारे अल्लाह दे हुक्म नाल मैं ईसा दी गल इथे वो तो खुद नफी करे दावे दे ते तू सा दे तो ईसा इलाह है पी तो खुद नफी पैदा वेंदा है पे बाकी जेरे चीजें जाहिर होए ये मौजदे हैं ईसा अलैहि सलाम दे अच्छा ये सारी गल सारे मौजदे हैं मत लिखता शिखता कि तू आ गई हां ते लिखण वाला तो जो कुछ भी लिखा है बहु कुछ कह दस में नाल बर्बाद कर दीते किताबें जो ईसा आदाद मैं भी इलाह हां अल्लाह मेरे को भी इख्तियार देते ने बावे बुल्ला लिख छोड़े ने ईसा अलैहि सलाम में गल नहीं कर सकता उंदा आगे तज़करास अखल लग व ओ नब्बे हुकुम बाज अके भई जेरे चमगादड़ है ना चमगादड़ समझे दे अस अपनी जबान च आदे चमचेड़ी जेरी मशहूर है ना भई राती उड़ पोवे तर बंदे दे नक नक वाट के ए नक ते पाए बंदी ए लोगा च एक मुहावरा है आदम भी ये जरा ईसा अलैहि सलाम परिंदे बने था ना मट्टी दे ये उन ना चू चम गादड़ आदि भई कोई चम गादड़ नहीं आदि भई ये मुस्तकिल है मखलूक है भई वो उस टाइम बने थे हैं ना खत्म हो गए हाँ हुसन बिल्कुल मौजदे तो उन्होंने बरकरार है मौजदे तो खत्म नहीं हो सकते बाकी जेरे ईसा अलैहि सलाम दे बारे परचे ना दे इंशाल्लाह उते छेवें पारे च जेरे तफसान उथे वज के मुस्तकिल पास करे सो तुस अपने इल्म तो जाहिर करे छंडकारे मरे हो
وَأُنَبِّئُكُمْ ضرور میں خبر دوں گا تم کو بما تاکلون جو تم کھا کر آتے ہو وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ اندوزیاں کرتے ہو فی بیوتکم تم اپنے گھروں میں جو چیز کھا کے آدمی وہ بھی میں تو کو دسا سکدا پالا کھا کے آئے ہو تسا ساگ کھا کے آئے ہو یہ ہن تسا کے گھنگلو پکا کے دیسی کھا دی آندے وے یہ ہن تسا مرغا کھا دی آندے وے خیر ہم نے یہ ہن تسا یہ ہن حلوہ دیسی گھیو دا بنا کے کھا دی آندے وے یہ چیز کھا دے یہ میں کو اللہ موجودہ دیتا ہے میں تو کو دسا سکدا تے یہ بھی دسا سکدا جڑے سخی وے وڈے دے نیوے تے گھر جبا کر کے آندے تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو ان فی ذلک بے شک ساری چیزاں دے اندر لآیتن لکم نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو مومن ہو و مصدق لما بین یدی کفیت مجیت دی آمن دی کفیت ہونی تصدیق کرنے والا ہوگا عیسیٰ ما بین یدی اس چیز کی جو اسے آگے ہے من التورات تورات دی تصدیق کرنا لاؤسی والے اہل لکم باز اللذی اور میں ہلت کو زہر کر دوں گا تمہارے لیے بعد وہ جو حرام کی گئی تھی تمہارے اوپر وجئتکم بآیت من ربکم میں آؤں گا تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے کچھ چیز آئے نا جی انہوں نے دوتے حرام کر دیتیا گیا انہوں نے کرتوت دی وجہ تو کچھ وہ ہیں جیرا چربیاں جیرا جانوراں دے حرام کر دیتے گئے اس قسم دے چیزاں تو میں انہوں کو تواڑے واسطے ہلت انہوں دی زہر کرے سا یہ نہیں تو میں تواڑے واسطے حلال کر رہی ہوں اپنی حرام میں تھی حلال کر رہی ہیں نہیں نہیں میں انہوں دی ہلت تواڑے دے زہر کر رہی ہوں حلال کر زہر حفظ حلال کروں گا یعنی حلت کو زہر کروں گا تمہارے لیے بعد وہ جو حرام کی گئی تمہارے اوپر وجئتکم اور میں آئے ہوں تمہارے پاس بے آیت میں ربکم واضح دلائل لے کر تمہارے رب کی طرح سے فتق اللہ اندھا نتیجہ اے نکلا دلائل دے کھڑتے باوجود جدا میرے دلائل نبوت ثابت ہو گئے تا پہلی کامیابی دا سول نے فتق اللہ اللہ کو ڈر دے رہے جاؤ اللہ کو ڈر رو واتیونی اور میری اطاعت کرو دین دے معاملے دے اندر ان اللہ اے خلاص دے دین مسیح صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا اے خلاص ہے ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا بھی رب ہے ربکم تمہارا بھی رب ہے فعبدو پس تم اسی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ رستہ ہے سیدھا ھذا یہ صراط تحیر فی العبادت رستہ ہے سیدھا سیدھا فلما احس عیسیٰ منہم جب محسوس کیا عیسیٰ نے منہم الکفر ان میں سے کفر کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان میں سے کفر کو کالا کا من انصاری اللہ کون میری امداد کرے گا اللہ دی طرف بعض دن اے انصاری دھوبی ہے بعض دن اے بڑے بڑے سرداراں دی اولاد ہے بڑے بڑے سردار ہیں پہ خود عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف ہو گئے ہیں یہودی انہاں کے ویکو جی جتنے بھی یہودی علماء تے پیر ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف ہو گئے اس وقت دا ایک قانون ہوتا کہ کسی کو مارنا حکومت دی اجازت بغیر جائز کوئی نہ انہاں مولویاں تے پیراں دھرنا دیتا حکومت دے گیٹ تے بن کے پارلیمنٹ ہاؤس دے گو انہاں دھرنا دیتا کیوں بھائی اجازت دیتی وجہ عیسیٰ کو مارن دی ساکو دیو نہ تو تسا آپ مارو یہ دھرنے دیون والے کون ہے مولوی بھائی ماں یہودیاں دیا کیوں بھائی جرم یہ آدھے پیو ڈالے دا مذہب چھوڑ دے سارے پیو ڈالے دا جرا مذہب آ وہ غلط آ تھی نما نکل کے آیا ہے یہ تو سارے لطاقی بھی دیا دے نظر غیر اللہ بھی حرام ہے رتے پیلے چاول بھی حرام ہے چیزے چلیس میں بھی حرام ہے غیر اللہ دے نا تے نظر و نیاز لینا غیر اللہ دی عبادت کرنا
पुकारना उन्हों को सारा नजायज ते हराम है, कुल्लो गलत फेल है। यह तो साढ़े प्यो दादे के मजहब का खिलाफ है, सारे दे मजहब खत्म करना चाहते। हालांकि यो मजहब था तौरात का खास है, भी आलम तौरात दे इन बड़े धरने दिते थे नहीं दी रोमन थे पिटे नहीं दी मखलूक का सब बड़ा अफसोस सब अरमान है तो मखलूक गुमराह थी दी मेरी पागल हो गई मखलूक ते परेशान है ते उन्हें असा मौलवी लोग इन दा मसला हाल ना करिए ते और कौन करे मेहरबानी करो ई सब सोली चढ़ाओ नहीं तो सब कोई इजाजत दो ये तो बेदीन हो गए नाउज बिल्ला बे जाले ये औलिया अल्लाह का भी मुनकर थे बुजुर्गों का भी मुनकर थे मंदा कह पड़े के ये सारे मुल्ला धरना मुल्ला धरना दे वाले तो थकड़े थे ना दे दे पीछे पीछे चौक इंज ने इन्हें जरूरत अपने सामने तो हो दे पीछे पीछे खड़ के चौबिया को उठा के धरना दीती रख वो धरना दे 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 आखिर उस वक्त दे बादशाह मजबूर हो गया कि ठीक है मत वजो वो को तुसा सूली चढ़ा दे तो अगर वाकई वो दादे परदानिया दे मजहब दा मुखालिफ है इन्हें कोई इजाजत मिल गई मौलियां ते बस ता वाता मौलवी भजन अगे ता मरदे हन बेचावल बंद थी से हुण खुश थे बे हुण ये सूली चढ़े नहीं दा इलाज असा करना है ए वो वाकया आंदा पर इंशाल्लाह मुकम्मल बात जिंदगी रही तो छठे पारे जवान के साथ पिछले आयता भी नाल रखना वो जरे हुक्म होया भाई ईसा ने सलाम को सूली चढ़ाओ इन्हें मशवरा किया चार चफेर मकान दे घूमर घेर पा के इन्हें के जेरे भी ईसा ने सलाम निकले पकड़ो ते सूली चढ़ाओ इन्हें को ताकि पता लगे लोगों को तो जरा प्यो ना दे मजहब का दुश्मन हो सजा की हो मुशरक नाम मुराद सुचेंदा भी ज्यादा है ना तो सिरों सजा भी सुचेंदे ते जान दे खत्म दी इलाज भी सीखे इब्राहिम अलैहि सलाम दे बारे भी तो ये सोचा होगा क्योंकि सारे के ना हो जाए सारे माबूद का दुश्मन सारे लोग दे सामने सजा दे उन तक आए ना जरूरत कहे तेरे बशर सारे हो गई तैयारी हो गई उस वक्त उमर गेर किया ईसा अलैहि सलाम को पता लग गया हूं सारे मेरे पिछू पाए गए सलाम उस वक्त अपने मन का मन अल्लाह मेरी इमदाद करना कौन है अल्लाह की तरफ काल हवारी कहा हवारी अल्लाह हम अल्लाह की इमदाद पिछू सलाम कौन पे अनसारी मेरी इमदाद करने कौन है अल्लाह कैदी तरफ इतने वो जवाब के दें पे नानो अनसार हम के कर सुअल्लाह दी इमदाद करे उत्थे दर्दा पाए मेरी इमदाद कौन करे सी मेरी इमदाद अल्लाह दे मसला तौहीद च पहुंचावण ली कौन करे सी इत्थे वो जवाब देंदे पण असा अल्लाह दी इमदाद करे सो यानी असा मसला तौहीद पहुंचावण च ही के कर सा इमदाद करे सो असल गल ई नहीं। अच्छा जब दावत दीती है तो उन्हें आखन लगे आ मन्ना बिल्लाह अस ईमान गिन है अल्लाह दे नाल वशहद तू भी गवाह बन वा वशहद तू ही गवाह बन वा बे अन्ना मुस्लिम हूं बेशक अस कौन है मुसलमान इस अलैहि सलाम का कह लगे अस ईमान गिन है अल्लाह दे नाल दावत गिनी से कबूल कर ते को तू भी साडे ईमान ते गवाह बन वा के अस फरमा बरदार हो रब्बाना मना जाते हमारी जीन ईमान तो बाद हूं अल्लाह को दुआ कर लगे अख लगे रब्बाना ऐ रब हमारा आमन्ना हम ईमान ले आए बीमा साथ उस चीज के अनसलता जो तूने नाजिल की वत्तबान रसूला दूजे नंबर दे ईमान बिर रसूल इत्तबा किया हमने रसूल की
जो उत्तो नाजिल कीती किताब उस नाल भी ईमान गिना है, रसूल नाल भी ईमान ले आया, अस रसूल दी तबाह कीती। फाकतो बोना हुण साडा ईमान कबूल फरमा कर, साडे ईमान को कबूल करके। फाकतो बोना बस तू लिख दे हमको माशाहिदीन, तौहीद की गवाही देने वालों के साथ साको लिख दे, जेरे तौहीद दी गवाही दे वाला लेन असा भी तौहीद दी गवाही दे साको ना ना लिख, यानी कामिल मोमन ना लिख दे तो तौहीद दी गवाही दे वाला ला ना साको वे लिख दे। वमा करू वमा कर अल्लाह ए इनाद यहूद यहूदियां दे जिद बांधे पई। वमा करू और मकर के उन यहूदियों ने, वमा कर अल्लाह और तदबीर की अल्लाह ने सलाम के बचाने की। माकरू यहूदियों ने तदबीर की ईसा सलाम को सूली चढ़ाने की, माकर अल्लाह ने तदबीर की ईसा सलाम को बचाण दी, यहूदियां तदबीर की ता ईसा सलाम को मारण दी, अल्लाह तदबीर की ती ईसा सलाम को निजात दिलावण दी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सवाल पैदा होया जदा मुकाबला आ गया, एक पासो यहूदियां दे मकर पे चलदे हैं, दूजी तरफ को अल्लाह दी तदबीरां पे चलदे हैं, गालिब तदबीरां के न्या होया। अल्लाह फरमाए ओ यहूदियां दे मकर के कर सकदे हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ही बेहतर तदबीर करने वाला है। लफ्ज मकर ए तो होया ना अरबी दा लफ्ज, ते साडी जबान च मकर दा माना के होता है, धोखा बेईमानी फराड। ये बंदा बड़ा मकरी ने, बड़ा फराटी बंदा है। हूँ इतने भी माकर माकर रू उन्हें तो फराड किया, हाँ गल सही है, तो माकर अल्लाह हो तो मकर का माना इतने भी फराड करो तो के मन वैसे अल्लाह भी कह कि नाउज बिला मिल जाले फराड की थी। हालांकि अल्लाह तो कह इन चीजा गंदिया खसलता तू पाक है। इस गलों ये अरबी का कलमा है, अरबी जेरी जबान दा कलमा है उसी जबान च रख के माना करो, कोई इश्काल पैदा ना। उसी मकर दा माना अरबी च होंदा तदबीर करना, उन्ना भी तदबीर कीती है ते अल्लाह भी तदबीर, उन्ना तदबीर कीती है ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ावण दी, अल्लाह तदबीर कीती है ईसा अलैहिस्सलाम को सूली तू बचावण दी, उन्हें तदबीर कीती है ईसा अलैहिस्सलाम को जानू खत्म करण दी, अल्लाह तदबीर कीती है ईसा अलैहिस्सलाम को बचावण दी। ते सब तो बेहतर तदबीर वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सब तो बेहतर तदबीर के दी अल्लाह दे। अल्लाह फरमांदे साडियां तदबीरां बेहतर है, असा ईसा अलैहिस्सलाम दा हाल भी डिंगा नहीं होवण दी। अच्छा वो किवें इज कॉल अल्लाह, इज कॉल अल्लाह जब कहा अल्लाह ने, इज कॉल अल्लाह जब कहा अल्लाह ने, के गला की अल्लाह क्या कहा, ये कहा या ईसा इन्नी मुतवफी का, ऐसा इन्नी बेशक मैं मुतवफी का पूरा पूरा लेने वाला हूँ तुझे, व राफियो का और उठाने वाला हूँ तुझे, इलैया अपनी तरफ, व मुताहिरो का और पाक करने वाला हूँ तुझे, मिनल्लज़ीन उन लोगों से कफरो जो काफिर है, वजाइलुल्लज़ीन और बनाने वाला उन लोगों को, इत्तबाउ का जो पैरवी करने वाले हैं तेरे, फौकल्लज़ीन कफरो ऊपर उन लोगों के जो काफिर है, कितनी मुद्दत तक उनको गालिब करने वाला हूँ, इला यौमिल क़ियामा क़यामत दी तक तेरे मानने वालों को मैं काफरों के ऊपर गलबा देने वाला हूँ, सुम्मा इलैया मरजियो कौम फिर मेरी तरफ तुमको लौट कर आना है, फाहकुम बैनकुम बस मैं फैसला करूँगा तुम्हारे माँ बहन, फीमा उस चीज अंदर कुन तुम फी
फिये जिसमें तुम तख्तालिफून जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को कहा ईसा इन्नी मुतवफी का बेशक मैं पूरा पूरा लेने वाला हूँ वर्राफियो का और तुझे उठाने वाला हूँ किसी तरफ इलैया अपनी तरफ ये राफियो का इलैया ये मुतवफी का दे माने दी ताहीन है मुतवफी दे त्रै माने आने एक मुतवफी का माना है असल माना है अखजु शय वाफिया किसी चीज को पूरा पूरा लाए लावड़ा अखजु शय वाफिया पूरा किसी चीज को पूरा पूरा लै लवना असल माना तो वफी का यह है और दूजा माना है मौत अल्लाह यतवफल और त्रीजा माना इना दे नींद वयुरसिलु लुखरा इला अजलिन आंदा ना अल्लाह यतवफल अनफुसहीन मौतिया वल्लती लम तमुत फी मनामिया फयुमसिकुल्लती खजा अलैहल मौत इतने देखो मौत दे माने च भी तवफी आया खड़े ते नींदर दे माने च भी तवफी आया और असल माना तवफी दा माना है मुतवफी दा माना तवफी दा पूरा पूरा लाए लावना अल्लाह फरमाए मुतवफी का मैं पूरा पूरा लेने वाला हूं तुझे अगो राफियो का ये राफियो का मुतवफी का दे माने दी तजीन कीती है कि इत्थे मुतवफी दा माना मौत नहीं इत्थे मुतवफी दा माना नींद नहीं इत्थे मुतवफी दा माना है पूरा पूरा उठा लाना यानी रूह माल जिसर तुझे मैं अपनी तरफ ले जाऊंगा गल समझ आई है राफियो पके मुतवफी का दा माना ताजीन कीते कि मौत मैं मुतवफी का पूरा पूरा ले लूंगा तुझे क्या मौत मौत दे विच पूरा पूरा नींदर मौत दे अंदर अतिद्राक शहूर हर चीज खत्म हो गई और नींदर दे अंदर हयात बाकी रानी शहूर ते इद्राक खत्म हो जाता है और रूह माल जसद पूरा पूरा लै लैसा नींदर दे अंदर लैसा मौत दे अंदर लैसा नहीं फरमाया राफियो का पूरा पूरा ते उठा के से लिया अपनी तरफ यानी मौत और मैं रूह माल जसद ते को पूरा पूरा अपनी तरफ उठा घिरसा ए माना है ताहीन कीते अल्लाह मुतवफी का एक माना हजरत इब्न अब्बास पर मुमीतो का मुतवफी का माना के मुमीतो का इतो जेरे हयात ईसा दे मुनकर देखो जी हजरत अब्बास इब्न अब्बास रजी अल्लाह हजरत अब्बास ही माना कर दीते मुमीतो का मुतवफी का माना मुमीतो का मैं तुझे मौत दूंगा व राफियो का इलैया और अपनी तरफ उठा दूंगा पहली तो गल मुतवफी का जरा रिवायती हज़रत अब्बास को मुमीतो का ये रिवायती कुल्लुहुम मुतवातिर नहीं मशहूरा नहीं एक कमजोर रिवायत है दूजा अगर मुतवफी का दमाना मुमीतो का करो ता भी ठीक है इसमें फ़ाइल है मेरा पैगंबर मुमीतो का तुझे मौत ही दूंगा व राफियो का इलैया हूं ते को अपनी तरफ उठे दे भी पाए हूं भी उठे दे पाए ते आंदा भी जदा ते को मौत ने सु अपनी तरफ के कर ले सा उठा ले सा लिहाजा कोई भी इश्काल नहीं मुतवफी का पूरा पूरा ले लूंगा तुझे व राफियो का उठा लूंगा तुझे इलैया अपनी तरफ बाकी वह मुताहिरों का तुझे पाक करने वाला हूं तुझे उनकी तुम से मिनल लजीना काफर वो लोग जो काफिर हैं मैं तेरे इन्हें हाथ भी तेरे नेड़े ना लगा दे जेरे सूली वास्ते आए खड़े ना भाई ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाओ वो कत्ल के मनसूबे बड़े ही वजन ते को फंदा लेना चाहते मुताहिरों का मैं ते को पाक करे सा उन्होंने पलीतों के हाथ भी लगन ना दे बाकी जेरे तेरे मनन आले हो सके उन्हां को मैं उन्हां काफिर लोगों दे उते क्यामत तक गलबा दे सके तेरे मनन आले गालिब ही रहसन वजाइल लजीना मुसलमान और नसारा मुराद है और कर दूंगा उन लोगों को इत्तबाउ का जो तेरी पैरवी करते हैं फौक लजीना ऊपर उन लोगों के काफर जो काफिर है इला यौमिल कियामत कियामत दे तक को गालिब रहसन सुम्मा इलैया मरजिउकुम
फिर मेरी तरफ तुम सबको लौट कर आना है। फाहकुम बैनकुम, मैं फैसला करूंगा तुम्हारे माँ बहन। उत्ते फैसला अमली होना है, इल्मी फैसला इत्थे हो गया। उत्ते फैसला कहना होना है अमली। फैसले दो, एक फैसला है इल्मी दलायल दी दुनिया के अंदर, एक फैसला है अमली। अमली फैसला, इल्मी फैसला इत्थे दुनिया ते हो गया है, अमली फैसला दी क्यामत ते होना है कि केरा बंदा किस दा मुस्तहिक है पिया, उसको उन्दे अमल दे मुताबिक ही सजा जजा दी वैसी। फाहकुम बैनकुम, बस फैसला करेगा तुम्हारे माँ बहन। फी मा, उस चीज में कौन कौन फी है जिसमें तख्तलिफून, तुम इख्तलाफ करते हो। इंशाल्लाह मजीद पास अभी जाके करते हैं। फमल्लजीन कफर, बस बहरहाल वो लोग जिन्होंने कुफर किया। फवअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, बस मैं अजाब दूंगा उनको अजाब सख्त। फिर दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, बल आखिरत और आखिरत की जिंदगी में। अमालहुम मिन नासिरीन, और नहीं होगा उनके लिए कोई मिन नासिरीन, मदद करने वाला। लफी शफात खाए साद मोहतरम मद्द मुकाबले यहाँ दलील पेश करता है कि राफियों का बुलंद करने वाला हूँ। तो फिर पाँच नंबर तीस में वरफाना जिक्र, वरफाना अल्लाह का जिक्र, यानी मौत के बाद भी तो मुर्तबा बुलंद किया जाता है, तो बिल्कुल बुलंद किया जाता है, कोई शक नहीं। मुतवफ़ी का तो पिछू है ना उठाने वाला हूँ। मुतवफ़ी का पूरा माना है अखदुश माफी, यानी किसी चीज़ को पूरा पूरा लय लमना। इतने तो पिछू बहुत वफी का खड़ा है ना, तो पूरी पूरी जिते ये भी तो पता हो हकीकी माना है किसी चीज़ का पूरा पूरा लय लमना। तो जितना हकीकी माना लावना जायज़ हो, उसे मजाज लावन की जरूरत भी। मौत के अंदर तो मजाजी लिहाज न माना इस्तेमाल हो रहे, वफा देगा यानी पूरा पूरा तेको मैं अपनी तरफ उठा गिर सा, ते पूरा पूरा उठता है रूह मा अल जसद। ये हकीकी माना असल है, तेको सर रूह मा अल जसद के करे सा उठा ले सा। वल्लज़ीन बरल, वो लोग आमनु जो ईमान ले आए, वामिलु सालिहात, अमल सले करते रहे, उनका नतीजा ये निकलना है। फयुवफ़ीहिम, बस पूरा पूरा देगा अल्लाह उनको उजूरहुम, उनकी मजदूरियां उनके बदले अल्लाह पूरा देगा। वल्लाहु ए इल्लत सजा, वल्लाहु अल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह नहीं पसंद करता जुल्म करने वालों को। ज़ालिका, ज़ालिका ये जुमला मुतरज़ है बराए सदाकत नबी। ज़ालिका ये सारियां गल्ला चीज़ा, नतलूहु अलैका, हमने पढ़ी उसको तुझ पर मेरा पैगंबर, मिन आयात निशानियां है। वज़िक्र अल हकीम, और नसीहत भी है हकीम हिकमत वाले की तरफ से, अल हकीम हिकमत वाले की तरफ से। ये सारियां गल्ला दा सही सही बयान करने वाला तेरे नबी होवन दी सदाकत भी। ये गल्ला सारियां वो बयान कर सकदा है जेरा पैगंबर होवे, क्योंकि अल्लाह दी बगैर बाप दे पैदा हुए, इस गल ईसा अलैहिस्सलाम के हो गए इलाह हुए ना, बगैर बाप दे तो पैदा हुए, वरना बगैर बाप दे बच्चा पैदा हो सकता ही नहीं। अल्लाह फरमाए क्यों नहीं हो सकता, मेरा पैगंबर इना को बाप इंदा तो मां तो हा ना ईसा दी, बाबे आदम दी तो न माँ आई तो न प्यू आई। तो साधे उदो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप दे पैदा होए है, तो बगैर बाप दे पैदा हो सकता बच्चा पैदा नहीं हो सकता, लिहाजा ईसा इलाह होया। अगर एक गल है तो वत दसो आदम अलैहिस्सलाम का ना प्यू आई तो ना बाप आई, वत ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मनते हो तो बाबे आदम को इलाह क्यों नहीं मनते, वो को नसरानी इलाह नहीं मनते बाबे आदम। बेशक मिसाल ईसा की इन दल्लाए,
अल्लाह के हाँ का मसल आदम आदम अलैहिस्सलाम के मुशाबे है। खलकहू मिन तुराबिन, पैदा किया अल्लाह ने उसको, उसके कलब को पैदा किया मिन तुराबिन मट्टी से, सुम काला फिर कालन लहू उसके लिए कौन हो जा तू, फयकून पस हो गया वो जानदा अल हक मिन रब्बे का, ये अमर बाकी हक है तेरे रब की तरफ से, गले सच्ची मेरा पैगंबर तेरे रब की तरफ से, कोई शक नहीं दे अंदर। फला तकूनन में फला तकून मिन अल मुमतारीन, बस ना तू हो जाना शक करने वालों से। गल हुआ है जेरे अल्लाह से फरमाते हैं पैगंबर दे सहन कभी शक आ सकदा, गल हुए आखा थी कुते सुनावा नू कोई उम्मती हो कदी शक ना पै कर इस गल दे अंदर। गल इया है जेरी असन सा चुकी से कि बिन बाप ते बिन मां असा आदम को पैदा कीता। फमन हाजा कफी आखरी लाने मुबाले दा मेरा पैगंबर आख ही ना को अच्छा भाज जाओ भाज जाओ, तो सजद इन नहीं वे मन दे तम बाला कर लेने मुबाला करेने पता लगवे सी हक ते कौन है ते ना हक ते मुबाला ए है। दोवे तबके दिखे लावे मैदान च अपने करीबिया को आल याल को भी लेके आवे ते उत्थां दुआ मंगे ना अल्लाह जेरा झूठा है उसते लानत अल्लाह जेरा झूठा है उसको तबाह ते बर्बाद करे मुबाला। नबी पाक फरमा ठीक है मुबाला कर लेने आओ तो सही मैदान ही जाओ अस अभी सारे निकल गए ने तू सभी आओ मुबाला आके अच्छा सा मतलब वदिया नाल मशवरा कर के नु जीवे हो सी ते मत मुए करसो जेरे वडिया नाल जाके उन मशवरा कीता ना ते उस वे दे के ना ओ नहीं क्यों अपने आप को बर्बाद करे दे ये ता बाकी अल्लाह दा नबी है ते ई हाथ चा उठाए ता सादे पल्ले के शरा से ये ता उसी टाइम काड़ बाड़ पै वणी ते छोड़ा इना छोटे बच्चे दा की तुहाडा कख नहीं छोड़ना खुदा इस गल नाना मुबाला शुबाला ना पै करे ਇਹੋ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਫਮਨ ਹਾਜਾ ਹਾਜਾ ਕਾ ਪਸ ਜੋ ਅਬ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਤੁਝਸੇ ਫੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜੋ ਅਬ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਤੁਝੇ ਤੁਝਸੇ ਈਸਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮਿਮ ਬਾਦ ਮਾ ਜਾ ਅਕ ਮਿਨ ਅਲ ਇਲਮ बाद उसके जब आ चुका है तेरे पास इल्म कति फकुल बस तू कह मेरा पैगंबर अब दलील से बात नहीं बनती तो कह दे मेरा पैगंबर तालो तालो आ जाओ तुम भी आ जाओ न दो अपना आना हम बुलाते हैं अपने बेटों को अपना अकुम और हम बुलाते हैं अपना हम अपने बेटों को भी बुलाते हैं व अपना अकुम तुम भी अपने बेटों को बुलाओ व निसा आना हम भी अपनी औरतों को बुलाते हैं व निसा अकुम तुम भी अपनी औरतों को बुलाओ व अनफुसाना हम खुद भी पार्टी बना के हमको हम खुद भी पार्टी आते हैं व अनफुसकुम तुम भी आओ सुम्मा नबताइल फिर के करें साइल तजा करें दुआ करें फनजल लानत अल्लाह बस हम करें अल्लाह की लानत को अलल कासिबीन झूठों पर बाज जाओ फिर सही पुत्र सने ने तू सभी पुत्र अपने सदो असा भी आ अपने औरतों को खीना ने तू सभी अपने औरतों को खीना तू सभी असा ही सारी पार्टी आने हैं ते तू सभी सारी इतो आए ना रवाफिजीन उना के देखो जी ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀਹਾ ਦੂਜੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਹੈ ਨਬੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਾ ਮਿਸਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਜ਼ਨ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਿੱਕਾ ਦੀ ਫਾਤਮਾ ਅਬਨਾ ਆਨਾ
हम अपने बेटों को ले आते। इस तो मुराद भी हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बादशाह आना, और हम अपनी औरतों को ले आते। इस तो मुराद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा व अनफुसना, इस तो मुराद नबी पाक ते हजरत अली रजी अल्लाह। ये पांच तन पाक इन मुकाबले वास्ते तैयार। पहली गल ये झूठ है, सारी गल नबी पाक ते सारे सहाबा तैयार है, सारे सहाबा तैयार है। अब लाना हम अपने बेटों को बुलाते हैं, निशाना औरतों को हम बुलाते हैं, एक नहीं सारी औरतों को असा सदे दे अनफोसना, एक नहीं असा भी क्या ने सारे आने। दूजी गल मुबाला होया भी कोई नहीं, मुबाला होए कोई नहीं, दसरानी भाज गए हैं उन्हों को पता तो सही था पाच नहीं सकते। और त्रीजी गल कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ना कली, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ना उस वक्त जरा मुबाला हो है, उस वक्त होने के मनसूबे हैं ते मशवरे पे होते हैं, लेकिन वो भाज गए हैं, नसरानी आए कोई नहीं। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ना कली है, बाकी नबी पाक दी बेटियां वफात पा चुकी हैं। सन 10 हिजरी दे तकरीबन ये सन 10 हिजरी च होया, उस वक्त तो बाकी के हो गए चुके हैं, मुबाला 9 हिजरी च होया, 10 नहीं 9 हिजरी दे अंदर होया। इस 9 हिजरी को पहले नबी पाक दी त्रीए बेटियां वफात पा चुके हैं, सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जिंदा है। बाकी त्रीजी गल है कि कोई आखे कि हजरत अली रजी अल्लाह नबी पाक दी जूज ही तो लिहाजा इस नालों खिलाफत का ज्यादा मुस्तहिक फजल है। अगर नबी पाक दी जूज है ही हजरत अली रजी अल्लाह इस लिहाज नाल जूज है तो वह हजरत फातिमा ने निकाह होता किवें हो सकता, हजरत फातिमा ना तो उनका निकाह नहीं हो सकता, हालांकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह उनका निकाह नहीं। ज़ाद मतलब क्या आजकल भी मुबाला हो सकता है, शौक इन्हें जी आप बिल्कुल जरा बातें न बने पिया कर दे उधर ना जरा नरम बिल्कुल करो अच्छा। इन हाजा लहु अल कससुल हक, ये मुबाले दे बाद नतीजा निकले है, बेशक ये वो किसे हक है जो कुछ बयान किया गया है सच्चा है। वमा मिन इलाहिन, नहीं है कोई इलाह इल्लल्लाह, मगर सिर्फ सारे शुमा दूर हो गए। ईसा इलाह नहीं, ईसा दी माँ इलाह नहीं, ज़करिया अलैहिस्सलाम इलाह नहीं, ए इलाह नहीं हो सकते। तल्याजा मन गिनो मा मिन इलाह, और कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही को इलाह, ही को मुश्किल कुशाय, ही को गैब दान, एक नफे नुकसान दा मालिक, एक इज्जत जिल्लत दा मालिक, एक बेटे बेटे देने वाला, मुश्किल कुशा हाजत रवा नफे नुकसान गैब दान हर चीज दा मालिक अल्लाह है। मा मिन इलाह, और कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह इलाह। व इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह लहुवल अजीज़, वो बड़ा जबरदस्त है पकड़ने में, अल हकीम, लेकिन हिकमत वाला है छोड़ने में, उसकी हिकमत हकीम छोड़ देता है। अजीज पकड़न ते आवे ता पकड़ भी सकता है, हकीम है लेकिन हिकमत होंदी हो जी मत भी लोगों को छोड़ ही पाए, जितनिया भी ना फरमानियां पे कर लेन। व इन तवल्लो, मेरा पैगंबर ने सब हुजतां तो बात, ये जलदा क्यों सी, अगर इन्हें सारिया हुजतां तो बाद अजन भी नहीं पे मंदे मेरा पैगंबर। फइन तवल्लो, बस अगर वो बहु मोड़ ले मेरा पैगंबर। फइन अल्लाह, बस बेशक अल्लाह अलीम जानने वाला है, अल्लाह जानता है किसको, बेल बोफ से दीन फसाद कराने वाला को अल्लाह जानने वाला है, पिया अल्लाह को पते सारे फसाद आते हैं। कोल मेरा पैगंबर कह दे ये आखिर दे विच दावत दीती वेदी पई है तौहीद दी आले किताब, आले किताब को के दीती वेदी पई है दावत है तौहीद। कोल मेरा पैगंबर कह दे या आले किताब, ऐ आले किताब, ऐ यहूदियों नसरानियों ता आ लाओ, ता आ लाओ, आ जाओ तुम
इला कलमतिन उस कलमे दे तरफ जरा सवाइम बहिना नाम बहिना कुम सवाइम जरा मुसल्ला में तो आड़े ते साढ़े माँ बहन ओ केरा कलमा है अल्लाह ना बुदा इल्लल्लाह अल्लाह ना बुदा अन ला ना बुदा कि न हम इबादत करे न हम शरीक करे अल्लाह दे नाल ला ना बुदा कि न हम इबादत करे इल्लल्लाह मगर सिर्फ अल्लाह अल्लाह दे यहूदियो तुहाडा वी यो कलमा साडा वी यो कलमा सारा दी बुनियाद ही कोए पई आ जाओ हिके कलमे वाला आ जाओ जेरा तुहाडे ते साडे मां बहन मुसल्ला में तुहाडे ते साडे मां बहन बराबर है ओही यो है कि अल्लाह तो सिवा और किसी दी इबादत नहीं करनी भला मुशरिक भी शैया और न हम शरीक करे अल्लाह दे नाल किसी चीज को अस और किसी को शरीक ना करे उज़ैर को ईसा अलैहि सलाम को हुबल को लात को मनात को शबाज कलंदर को दाते दोले को है सप्पे शाह को कामाली सरकार को बाबे हुसैन को बाबे कुल्ली को फुल्ला अली सरकार को बाबे कबीर को आज भी यो कलमा तक ऐसा किसी को के करो किसी न शरीक ना करो आज भी यो है भाजा वो है ना दे मुसलमानो सारा दा कलमा ही को है अल्लाह ना किसी को शरीक नहीं करना अल्लाह दी इबादत कल्ले दी करनी है भाजाओ आज ही का कुछ बढ़ में वला नुशरिक बिही शैया और न हम शरीक करें अल्लाह के साथ किसी चीज को वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा और न पकड़े बाज हमारा बाज को रब के करे बाज आना बाज को रब और रब के करे कानू यस्जुदून लहुम अज़जुबन वो सज्दे करते थे उनके लिए अपने पीरा को सज्दे करे थे ते अपने मौलवी अगू आज भी तुसा शैताना दा एक टोला डिठा होसी ऐजा ऐजा पगड़िया सफायद लिबास ते इतने इतने चिट्टिया दाड़िया ते आ बजुर्ग पीपा बना बैठा पूरा भरूपा ओ तो सत पासी चादर आ पहुंची हुई सरकार है एक केरी सरकार एक करंटा वाली सरकार है एक करंटा देखा सादे हाथ थे चढ़े ना दिया सही को करंट लाऊं बात एक को करंट लग गया तो एक निशाला दो कोई बदले दा पुत्र हो सी ता अंकल ठिकाने दे आवे एक करंटा वाली सरकार है मर्द भी चिट्टिया डाड़ी वाले करंट पे लगे दें ते औरता भी करंट पे लगे दें ते सरकार बैठे पूजा थिया होया ये भरूपा शैतान पर पूरा इबलीस बना बैठो दे भाई मान ते लोगा को करंट बैठा लेना हो दे ते मखलूक के पाई करे दी हो दी उन्हें दे पैरा दे होते झुक के पाए पाए सजदे पाए पाए दे होते डट्ठे पाए होने इया आदत सारी यहूदियां दे मौलवियां दी इया आदत सारी यहूदियां दे मौलवियां ते पीरा दे मखलूक को पैरा दे चुमावना ते पैरा ते चुमावना पैर चुमावने हैं ते पे के करना मुठ मरोड़ा करवाना हैं ये मुरीदड़ी साहब भी आ गई है मुरीद साहब अद्धे दाड़ तो उत्ते उत्ते मुठ मरोड़ा करे मुरीदड़ी साहब तकड़ी थी दिए तल्ले मुठ पर की थी रखी है भाई मान पूरे भरूपे आज भी हुआ सारी यहूदिया की हरकत आ गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आना कुर्बे क्यामत दे नजदीक मेरी उम्मत बलिष्ठ बा बलिष्ठ सारिया हरकत उए कौम वाले आ वैसे जेरा सब का कौम दे है ना भाई ये तो आदत है यहूदियां दिया ते उए आदत आज दे मुल्ला ते मां बेईमान सू पीरा दे गिची दे अंदर आ गई है उए आज लोगों ने इस तरह हमले बोल के करे आज जो और जुम्मल ए है एक पाए को के बड़े दे है रब एक तो ये हो गया दूजी जगह ते ना सूरत ते तौबा दे आते अरबाब मिंदु आबार ते मौलियों को के बड़े दे हैं रब ए भी में करे दे हैं मौलियों को पर रब बढ़ाया है खुदा दी नैन बने दे ते केदी बने दे हैं मौलवी दी बने दे केदी बने दे हैं मौलवी दी बने दे हैं पीर दी बने दे हैं
अल्लाह दे नैन मने दे ते अपने बुजुर्ग दी मने दे उदे ए मौलवी को के बण पणा है रब का ए के बणावण है इस गल आज वेखो आज तक किते यो काम नहीं है आज ही किते इन त नहीं मखलूक किते मौलवी को रब त नहीं बणाई पई आज ही देखो उन्नो कोलो दो चार सटाप उत्तू पई आंदी है दुनिया आज भी अपने मौली को रब बणाई खड़े मौलिया के इंज करण है इंज करण है उस अके बिल्कुल इंज करण कुरान को कांड आंदी आवे पे रसूल दी सुन्नत उजड़दी है उजड़े पे लेकिन मौली साहब दी गल दी तुहीन ते बेअदबी इयो जे भरोपे मौली दी क्या जरूरत है जे कुरान दे खिलाफ बोले इयो जे भरोपे मौली दी जरूरत ही नहीं ए मौलवी है नहीं इबलीस ते शैतान है तेरा कुरान दा भी दुश्मन है मोहम्मद रसूलुल्लाह दी ज़बान दा भी दुश्मन है जेरा लोगां दी इज्जत दा भी दुश्मन है मुसलमानां दे ईमान दा भी डाकू है जेरा अल्लाह दे को सजदे करने हैं लेकिन अपने टंगा ते सजदे ते करवेदा पी है अपने पैरां ते मखलूक को झुकाई पी है ते ए के याद हुंदा ई आखी देरा है ना ई तसलसल चलदा पाए ते ई जिक्र पै सिखदे हैं कामिल दर्जे दा शैतान तैयार होना ये तो इबलीस दा नस्ली शैतान तैयार होता क्योंकि शैतान कुछ मेरा जिन्ना ते नास कुछ जिन्ना चो ते कुछ इंसान चो होता है इया आदत सारे यहूदियां दी है देख वला यतखिल इस गलो कुरान और सुन्नत के खिलाफ जिस दी गल होए कतन मनन दी गुंजाइश नहीं अगर कुरान और सुन्नत के मुकाबले किसी दी गल मने सो तो मुसलमान न रसो बात इस्लाम तो खारिज हो सो وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ استاد محترم کیا شخصیت پرستی بھی ارباب من دون اللہ میں آتی ہے ہاں جی آج کل شخصیت پرستی بڑی کھڑی ہے بالکل آتی ہے جی آج کل शख्सियत परस्ती है ना कुरान को छोड़ दो लेकिन शेख साहब को नहीं छोड़ हदीस छोड़ दो शेख साहब को है यो जे खबीस को छोड़ दो कुरान सुन्नत को ना छोड़ ए जी शख्सियत की जरूरत नहीं कि जिथे शख्सियत यो जे वाल वजे तो कुरान दा राह बंद थी दे बंद कर दो तौहीद दा राह बंद करना पवे कर दे पैगंबर दी सुन्नत दा राह बंद होंदे बंद हो जावे मखलूक जिहालत ही मरदी है मरे पे लोग कबर पूजे पूज दे रहे लोग गुमराह हो के मर्दन मरदे रह जावे बितम करदन करदे रह जावे हराम खांदन हराम खांदे जा रहे ये बिल्कुल एक बायदे माल जब्त करेंदन करदे रह जावे लेकिन ना 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 शेख साहब दी गल वापस नहीं करनी सारे जहर पैर आवे गुमराह हो के मर वंजन कोई गल नहीं लेकिन मौलवी साहब पीर साहब दी गल नहीं थुकावनी क्यों ना होवे तो हिके पलीत को छोड़ दो ते सारे दी राह साबी करी जिथे कुरान और सुन्नत के खिलाफ गल आ जावे उत्थे भावे मौलवी होवे ते भावे पीर होवे या उस्ताद होवे याद रखो कतर भी क्यों को बर्दाश्त ना कराए कुरान और सुन्नत को छोड़न दी कतर गुंजाइश है ए भी आजकल शख्सियत परस्ती आ गई ना जी मत फलां ही नहीं कीता है ते फलाने ही नहीं कीता है ते फलां के कीता है कुरान तो दुश्मन बने तू रसूल है नबी है तो उसको पूछो तू सा ना तू दुआ दे हजरत साहब दी गल नहीं मनी गई क्या वो हजरत साहब नबी दा दर्जा रखता है क्या हजरत साहब सहाबी क्या है मैं मुजतहिदीन है कोई इमाम फुकहा चो है क्या उस दी जरी गल तस्लीम नहीं पई होती क्या वो गल कुरान दी करदा पे ता तस्लीम नहीं पई होती क्या वो हदीस दी गल करदा पे ता तस्लीम नहीं पई होती हां जुर्म ता उस बंदे दा ता है
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੇਦੀ ਪਈਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੇਦੀ ਪਈਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਕੋ ਠੁਕਰੈਂਦਾ ਪਾਏ ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤਨ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁੱਸ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੁਲੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਜੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਜੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਜੇ ਇਹੋ ਜੇ ਭਰੂਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋ ਠੱਪ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਸੀਹ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਇਬਲੀਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਬਲੀਸ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰੂਪਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸਰਾਨੀ ਤਾਂ ਸਦੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਈਨ ਤਾਂ ਸਦੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਦੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅਗਰਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਚਾਹ ਕੋ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਵਲ ਵਲ ਤੋਬਾ ਹੈ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਮਾਰੂ ਪਰੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਲਾ ਯਤਖਜ਼ ਬਾਜ਼ੁਨਾ ਬਾਜ਼ਨ ਅਰਬਾਬਮ ਮਿਨ ਦੂਨਿਲਾ ਬਾਜੋ ਯਹੂਦੀਓ ਨਸਰਾਨੀਓ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰਾ ਬਾਜ਼ ਕੋ ਰੱਬ ਮਿਨ ਦੂਨਿਲਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਨ ਕੇ ਛੁੜੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਫਇਨ ਤਵੱਲੋ ਅਗਰੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅਜਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਵਣਨ ਤਾਂ ਫਕੂਲੋ ਤੁਸਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਆਖ ਦਿਵੇ ਉਹ ਸੁਣ ਗਿੰਦੋ ਇਸ਼ਾਦ ਰੂਪੇ ਅੰਨਾ ਮੁਸਲਿਮੂ ਤੁਸਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਵੰਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਿਮੋਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੁਵਾਹਿਦੋਂ ਮੁਵਾਹਿਦ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل اے اہل کتاب پنجواں شکوا ہے تھی پانچ شکوے بیان تھی سے اول شکوا بیان ہوتا پہ پانچ شکوے بیان کرے سے اللہ انہاں تو پہلا شکوا یا اہل کتاب اے اہل کتاب لما تحاجون کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم دے بارے دے اللہ کوئی تے یہودیا دے اندو ابراہیم یہودیا نصرانیا دے این ابراہیم نصرانیا مشرکین مکہ دے اندو ابراہیم ساڈا ہا پیا کیوں تو سا ابراہیم دے بارے جھگڑے کھڑے کریں دیو مما انزلت التورات حالانکہ اتاری گئی تھی تورات والانجیل والانجیل الا من بعد ہی بہت بعد ابراہیم دے افلا تاکلون اوئے تو سانکھل کیوں نہیں میرے کہتے ہیو جے بوتلان کھول کیوں نکھل کریں دے اوئے ابراہیم دے بارے اوئے یہودیو تو سا دے او دو ابراہیم یہودیا نصرانیو تو سا دے او دو ابراہیم نصرانی آبیا حالانکہ تو رات انجیل باب ابراہیم تو بعد نازل ہوئے پئی ذرا ویک دیو دو ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਹਾ ਅੰਤੁਮ ਹਾਉਲਾਇ ਹਾ ਜਜ ਤੁਮ ਫੀ ਮਾ ਲਕੁਮ ਬਿਹੀ ਇਲਮੁਨ ਓਏ ਹਾ
बारे जरा थोड़े नाले भी लगम भी तुम्हारे पास है इल्मो इल्मो फले मा तो हाजूना क्यों तुम सही काम पे करेंगे वो फले मा तो हाजूना क्यों तुम झगड़ा करते हो फी माँ उस चीज के बारे में लई सलकुम भी इल्मों जिदे बारे थको रद्दी दम इल्म कोई रे जेरे तो सब जानने भी कोई नहीं वे जरा जरा तो सब थको पता रद्दी जितना भी कोई भी नहीं वत भी तो सब उन्ना दे बारे रोला पाती खड़े हो दो इब्राहिम यहूदी अंदर सादा है नसरानी अंदर सादा है वल्लाहु यालमो हालांकि अल्लाह तो जानता है मजहब इब्राहिमी को वहां तुम तो सनी वे जान दे मजहब इब्राहिमी को आओ मैं तो गुड सारो इब्राहिम के दापिया मा काना इब्राहिम यहूदी यों वाला नसरानी यों वाला के नकाना हनीफम मुस्लिमा मा काना इब्राहिम नहीं था इब्राहिम यहूदी यन यहूदी वाला नसरानी ना नसरानी वाला के लेकिन इब्राहिम तो काना हनीफम मुस्लिमा यकसू हो अनलाई मुस्लिमा वो तो मुगैर बंदा पिया तुसा तो मुशरिक मली तो पाए तुसा तो जहर को खुदा दा पुत्र बनाई वदे हो तुसा तो ईसा कल रूहुल्ला को अल्लाह दा पुत्र समझे ले हो इब्राहिम ना यहूदिया ना इब्राहिम नसरानिया वला किन काना हनीफम मुस्लिमा लेकिन इब्राहिम तो साफ सुथरा मुबैदा पिया माकाना मिनल मुशरिक मुशरका का मक्का लाद इब्राहिम सादा है इब्राहिम तो सादा है पिया अल्लाह फरमाए नहीं नहीं ओ मुशरको तू सभी सुन गिनो माकाना मिनल मुशरिकीन इब्राहिम मुशरका जो भी कोई रहा तो सत पुत्ता को कुजे दे इब्राहिम तब पुत्ता को त्रोड़ा ला पिया तो सत पुत्ता को इमदाद मग दे इब्राहिम ता अल्लाह को दरखास्त पेश कराना ला पिया तो सत मुखुन दे को डिंगे डोड़े हो दे हो इब्राहिम तब मत्थे ते खाना ला अल्लाह दे दुआ पिया अल्लाह बत कौन लोग इब्राहिम दे नक्शे ते चलाना ले फरमाए इन्ना अव्वल नास भी इब्राहिम अल्लज़ीन तबऊ हाज़ा नबी वल्लज़ीन आमनो बेशक जेरे लोग जो ज्यादा करीब इब्राहिम दे हैं ना वो लोग इत्तबाऊ जेरे इब्राहिम दे उस वक्त मन्ना ना ले आए वो इब्राहिम ही न पाए इब्राहिम दे मिल्ला दे उतेर हाज़ा नबी यो ये मेरा मोहम्मद नबी भी इब्राहिम दे मिल्ला दे उते पिया वल्लज़ीन आमनो और जेरे लोग ईमान घिनन मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह दे उते ए भी इब्राहिम दे ज्यादा करीब न पाए इस गलो यहूदियो तो सभी दूर हो नसरानियो तो सभी दूर हो ओ ए मुशरिकीन मक्का तो सभी दूर हो इस गलो जेरे मनणा ले घिन पाए इब्राहिम दे नाल कुर्बत ज्यादा तक दिन ते इब्राहिम दे मनणा ले मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह मनणा ले मेरे रसूलुल्लाह दे मनणा ले सहाबा इब्राहिम दे ज्यादा करीब वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन अल्लाह मोमना दा दोस्त मुशरका दा दोस्त कोई नहीं अल्लाह मोमना दा दोस्त मुनाफा दा दोस्त कोई नहीं अल्लाह मोमना दा दोस्त काफरा दा दोस्त कोई नहीं मदद ताइफतुम मिन आलिल किताब ये शिकवा सा नहीं यहूदी हो अपने आदत तो संभालो तो उन दे आदत गिड़वाए ना ओए आदत तो संभालो अपने केरे मुंह ना ला देओ तो बाबा इब्राहिम सादा हाथिया आओ तो को तोरे करतूत में गिन के ना सुनावा जे तू खैर खा ही पे तू सही ना दे है तोरे हर वेले अंदरू तई चुभदी रांदी तो कहे ते के ना मुसलमान को गुमराह करो है इब्राहिम तो सिरात मुस्तकीम ते ले आवण लहा ते उदे नक्शे कदम ते चलण आले हे त इब्राहिम दे उस वक्त मनण आले है या मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है या मेरे मोहम्मद दे सहाबा है ते तुहाडी आदत ए शिकवा सादे के करे ने खुद भी गुमराह ते दूजा को भी गुमराह करण दी कोशिश करे ने शिकवा की वदत ताइफतुन मिन अहलिल किताब पसंद किया एक तायफे ने
पसंद किया एक तहफे ने मिन आले किताब में से किश पसंद की थी है। लो युजिल्लू ना कुम काश के गुमराह कर दे वो तुम्हें दीन हक से। यहूदियां दा एक तबका उन्हां दी एक कोशिश है कि जिवें आप गुमराह हैं तो आपको भी इवें तो आपको क्या करें अल्लाह दे तो आपको गुमराह करने दे चक्कर आने दे। अल्लाह तू साडा खैर खा चंगा है तो साको दे पुठिया भी ना दिखा अगला साडे सिरे च दाग मरे दे ते तू आ दे नहीं वल हट के तुसा के करो। इस गल नु याद रखो जरा पुठिया भी है ना सारे अहले किताब दे नए ने इंशाल्लाह ये भी चल सका साफ ए अहले किताब इन समझो जिवे लफ्ज है ना देओ बंद देवबंद दे विच तले सारे है खड़े अयाती भी ममाती हनफी देवबंदी बरेलवी हनफी सारे देवबंद च एरिया नहीं ते असल देवबंद के ममाती ही जेदा नजरिया कुरान सुन्नत मुताबिक लेकिन देवबंद सारे लफ्ज सारे जमाता तले खड़ी है ये उतो छतरी बना हुआ आले किताब भी मुतलक लफ्ज आले किताब दे तले छुपिया पैन जमाता एक जमात हो जेरी हर वेले कोशिश लगी करे तरीके ने मुसलमान को मुर्तद बनो मुर्तद बनो मुर्तद बनो मुर्तद बनो तो के आदे ना अपने आप तू सब वाली बैठे करो महफिल ते तू सब सवेरे जेरे महफिल छोड़ी करो नबी पाक दिन तू सब ला इल्ला मुहम्मद रसूल मसला सा समझ आ अब मसला क्या है और समझ आ गया सा को मसला तो बाकी ये मोहम्मद भी सच्चा है ते इना मसला को भी ते जेरे थीवे ना शाम दा टाइम तू ये मोहम्मद वो है भी नहीं किवे भाई दे दे नहीं भाई किबला बैतुल मुकद्दस और सारे पिंड तो किबला बैतुल्लाह है तू तो वे दे नहीं भाई ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਉੱਠਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਾਦੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੀ ਦੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੱਟ ਸੁਣ ਪਿੱਛੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਧੇ ਵਧੇ ਉਲਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭੋ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਵਾਜ ਕੇ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਚ ਭਾਵਣਾ ਤੇ ਬਾਵਣਾ ਤੇ ਆਸ਼ ਆਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਮੋਲੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਇਹ ਯਾਰ ਅਸਤਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਇਹ ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤੁਰਾਤ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੁਰਾਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਾ ਕਰ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੱਟ ਤਬਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾ ਮੌਲ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਨਾ ਜੱਟ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਦੋਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਛੁੜੇਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰੂਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰੂਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਬੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੇ ਬਣ ਵਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਚ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬੋ ਇਨਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਜਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਜਿ ਰਹੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤੇ ਤੋ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੇ ਦਰੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪੜਦਾ ਤੇ ਪੜਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਰ ਜੇ ਓਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਖ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਮੋੜ ਵੇਨੇ ਆਪੇ ਮੁਰਤਾਦ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਹਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਦਿਓ ਆ ਚਾਹ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੋ ਚਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏ ਨਾ
ते वाज के उसी टाइम दिखे लैन आ के पैसे चाहिए सकू साड़ी अमान उसी टाइम करोड़ रुपया वापस पकड़ा देने ते एक तबका ओ हा जे को रुपये थोड़े को देते चल ते अमानत रखवा चा उदे को सारे निवा प्रभु दे दरवाजे ते कुर्सी गत के बैठे रहवा ता रुपया मिलदा ना मिलदा। देखो आले किताब दा लकब तो सारा ये उतो छतरी आले किताब है लेकिन तल्लो छुपे क्या पाए तबके इवे कुछ औतुल किताब ओ लोग ही है आले किताब विचू उतुल उतुल किताब आले कुछ लोग है जेरे मुसलमान भी है कुछ मुसलमान भी है तफसीरे बगवी आले भी एक गल्ला कीती रसाया मौलिम तंजील सीरे बगवी एक जबिया हलाल भी उन्हें मुसलमान दी है उसी दे बारे तफसीर बजरी आला भी लिख दे रहे हैं पर अले तो मैं तो दसदा पिया हां भाई जी में लफ्ज अद देओ बंद तल्ले हिन न जमात ताई में आले किताब दे तल्ले भी क्या है ना जमात देखो एक तहफा उठा था एक तहफा कहो जेरे पिछु भेड़ देना असा दा इब्राहिम को दे साडा इब्राहिम अल्लाह फरमाए थवाडा इब्राहिम कोई नहीं पली तो छोड़ो ही गल तू सता नजात बने पड़े एक तहफा हो वद ताइफतुम मिन अहलिल किताब और पसंद किया एक तहफे ने आले किताब में से केरी गल पसंद पाए करें दे वो पसंद तुहाडे वास्ते ये पाए करें दे लाओ युज़िल्लूना कौम कई तरीके नाल तो गुमराह कर छोड़े नो दीन हक तू फेर छोड़े लेकिन गल सुनो मा युज़िल्लूना वो गुमराह नहीं कर सकते समरा इजलाल गुमराह करण दा वो गुमराह नहीं कर सकते इल्ला अनफुसहुम मगर अपने आप को गुमराह पे करें अपने आप को अपने आप को गुमराही च मुबतला की लेकिन गल अल्लाह कोई अपना तो नुकसान करेंदा कोई नहीं अल्लाह फरमांदे वमा यशूरून ओ शऊर नहीं रखते हिमाका दे आले किताब ये उन्हां दी बेवकूफी ए पे ये उन्हां दा गद्दा पाने पे आपा को तो गुमराह करण दे कोशिश लेकिन तो आपको तो गुमराह नहीं कर सकते अपने आप को गुमराह पे करेंदे लेकिन शऊर भी नहीं रखते या अहलल किताब ए मलामत की तमें दा पे गुमराह करांगा या अहलल किताब ए आले किताब ओ यहूदियो नसरानियो लेमा तक फरोना बे आयात इल्लाए क्यों तो सा इनकार करेंदे हो अल्लाह दी आयात दा तौरात दा इनकार क्यों करेंदे हो इंजील दा इनकार क्यों करेंदे हो तौरात तो इंजील ते अमल ना करना तौरात तो इंजील दा इनकार तुरात तो इंजील ते अमल ना करना तुरात तो इंजील दा क्या है इनकार है क्यों नहीं तुसा तुरात तो इंजील दा इनकार क्यों पाए करें दो कुफर क्यों करें दो अल्लाह दी आयात नाल तुरात तो इंजील दे ते अमल क्यों नहीं वे पाए करें दे ता कादन वअंतुम तशहदून और तुम गवाही भी देते हो इकरार भी कर चुके हो तो अल्लाह दी आयात बरहा केर पाईया या अहलल किताब मलामत पर इजलाल है वो पहले मलामत पे कीते पर जलाल है जेरे आले किताब गुमराह हो चुके उन्हां को मलामत है हुन या आलल किताब है जेरे आले किताब आप ही गुमराह हैं ते दूजा कोई गुमराह करण दे कोशिश दे अंदर लगे होए हैं हुन अल्लाह उन्हां को मलामत पिया करें दे या आलल किताब ओए आले किताब आले हो ओए यहूदियां दे मौलवी हो ओए यहूदियां दे पीर हो ले मतल भी सुन अल हक बिल बातिल क्यों मिलाते हो हक को बातिल दे नाल वता को तुम उन अल हक क्यों छुपाते हो तुम हक को ओए क्यों हक ते बातिल को गड़ वड़ कर छोड़े दे हो क्यों मिलाते हो हक को बातिल नाल तो आपको पता भी है तो सदा मुहम्मद जवान भी होए तो आपको पता भी है तो सदा कुरान भी होए सब कुछ जान दे बावजूद मोहम्मद साडे जा सिफता भी पढ़ चुके हो कुरान साडे को भी तुसा पढ़ चुके वे पाए ओए क्यों मिले दे हक को बातिल दे नाल लोगा को गलत रस्ते क्यों खड़े विखे देवे लोगा को मोहम्मद पाक तो क्यों खड़े मना करें देवे लोगा को कुरान दे नेड़े क्यों निवे पयावण दे दे या आलल के
पिता ले मातल बिसून हक्का बिल बातले क्यों मिला दे हक बातला बता को तुम नल हक्का क्यों छुपा दे हक को पहला शोभा है हक ते बातल को मिक्स कर छोड़े देवे दूजा तोदा काम में हक तो कितमाने हक करे देवे हक गल्ला निवे दसे दे मेरे मोहम्मद दी पहचान तो सनिवे पै करवेंदे कुरान दी गल्ला तो सन लोगों को खोल खोल के निवे पै दसे दे जितनिया भी तौरात इज मेरे मोहम्मद दी सिफतां हैं लोगों को लोग क्यों वेंदे छुपे देवे जितनिया भी तौरात इंजील दे अंदर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह दे सहाबा दी सिफतां हैं तो सब क्यों छुपे देवे दियो ओए अहले किताब कुछ तो हया को हाथ च मारो ले मतलब सुनल हक्का बिल बातिल क्यों गड़बड़ कीती वेंदे हो हक को बातिल को हक जहर करे दियो हक को बातिल जहर करे दियो क्यों लोगों को गुमराहियां दे रस्ते वदे लिखे दियो बता को तुम नल हक्का और क्यों तुस हक को छुपे दियो कितमाने हक क्यों बदे करे दियो वअंतुम तअलमून हालांकि तुस जान दे भी हो हक को छुपावना ए शैतानी फेले रहमानी काम नहीं तो सज्जन देओ ए तलबी से तुहाडी ए इबलीसी खासे इन तुहाडे हक को छुपावना तो सज्जन देवी हो बहु वड्डा जुर्म ए पिया तो सज्जन देवी हो अंतम तालम तो सज्जन देवी हो तो मेरा मोहम्मद भी यो है मेरी आखरी किताब कुरान भी यो है मोहम्मद या सिफता भी ये जयन रहीम यो सी जो किबला तैन भी यो सी अपना दर्द इतना महसूस न करे सी जितना दर्द ते तकलीफ अपनी उम्मत दी महसूस वदा करे दा हो सी दंद भी शहीद करवे सी सिर भी पड़वे सी वतन कोलो बेवतन भी होवे सी लेकिन वत विया दा वदा हो सी या रब्बे उम्मती 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 ऐ मेरा अल्लाह वत भी मेरी उम्मत हिदायत चदे पत्थरा च दब भी वैसी पत्थरा च जख्मी खून खून भी होवे सी वत भी अल्लाह को आदा खड़ा हो सी मैं अपने दुख ता माफ करण वास्ते तैयार हां मेरी उम्मत मुहिद है चले बता को तुम न लहका व अंतुम तालमून तो सज्जन देवी ही वे के वाकी ये सिफत मेरे मोहम्मद दे अंदर है ये खसरत ते खासे मेरे मोहम्मद पाक दी कृपा है तो सज्जन देवी ही वे तो वाकी ये लोग मेरे मोहम्मद दे सिफत ले ये सहाबी बनने जिना को खावण दी भी कोई चीज नहीं होनी पावण दी भी कोई चीज नहीं होनी ओ इवे एक बहन रवा माओ बहन उस जिवे एक पियो मां दे जाय होंदन इवे एक बैद ते रहीम ते शफीक हो सना ओ इयो जई हो सना अपनी जान ते जिंद भी मोहम्मद तो कुर्बान कर दे वाला लेओ सर अंतुम तालमून तो सज्जन दे भी वे जानन दे बावजूद ओ अहले किताब दे मौलवी हो ओ अहले किताब दे मुफ्ती हो ओ यहूदियों दे मौलवियां ते यहूदियां दे मुफ्ती हो छोड़ दियो हक ते बातिल को मिलावा छोड़ दियो कितमाने हक करना छोड़ दियो लोगों को गलत पटियां पढ़ाना वकालत मकालत इफतुम मिन अहलिल किताब इशिकवाए साले से त्रिजी तदबीरे गुमराह करण दी मोमिनीन को अकालत ताइफतुन एक तैफे आले किताब भी जोए भी आगे चंद लोग यो जई भी है पर जिना के आमनू आमिनू बिल्लजी उनजेला लल्लजीना आमनू ईमान की ना उस दे नाल जेरे नजर सीती गई उन्ना लोगा ते जेरे ईमान की ना है जेरे मुसलमाना ते ना दे लो ये किताब कुरान उस कुरान दे उते ईमान की ना हो वजहन्नारे दीद शुरू चु ईमान की ना हो वक्फरो आखिर हो ते दीद आखिर जब बेईमान बन जाओ ये देखो ये ले दाता होता सारे तब के या अलल किताब अलल किताब قالت طائفه طائفه يا لذا لذا طبقه الرساله
एक तबका ही हो जिया आले किताब विचो जेरे अदर जहरन ते ईमान घिनो अंदरो अंदरो में बेईमान रह जाओ जहरन ते ईमान दे दावे करो अंदरो अंदरो में इस्लाम दे दुश्मन बन के रह जाओ ईमान घिनो जहरन ईमान घिनो कुरान नाल ते आको सबको कुरान नाल भी ईमान है मोहम्मद जवान ते भी ईमान है असा मन गए कुरान भी इयो है मोहम्मद जवान भी आखरी इयो है एक रे वेले ईमान घिना सो वजह दिन दे शुरू जिमान घिना वे वकुफरू आखिर हो ते दिन दे आखिर जिनकार चकरा है असन नहीं मंदे मोहम्मद जवान को असन नहीं मंदे इस कुरान को नहीं कुराने नहीं मोहम्मद जवान है जेरिया साडिया तो रात ते इंजील च जिक्र है ना वो इंदे अंदर सिफता नहीं पाते ए क्यों शुरू दे दीदे दीदे शुरू च ईमान गिना है आखिर च ईमान दा इनकार पे करें दे उना दी खास केरी है केरी अंदर दी बीमारी ने अल्लाह फरमाए कर दे ला अल्लाहुम यरजून ताकि ओ लौट आवन अपने अपने दीन चो असल गल है मुसलमानो कै तरीके नाल तो को फिदकावना चांदे कै तरीके नाल तो को फिसलावना चांदे कै तरीके नाल तो को मजहब इस्लाम तो फेरना चांदे पाए जदा ओ दीन दे शुरू च ईमान के ना सन दीन दे आखिर च दीन लांदे टाइम ईमान दा इनकार च करे सन उना ए करे सन लोग दे दिल च शुबा पाए वेसी इतने वड्डे वड्डे मुफ्ती इतने वड्डे वड्डे आलम इतने वड्डे वड्डे फकीर सदा खाले इतने वड्डे वड्डे आबार ते रोबान जेरे ओ इनकार पे करें दर यारो ए सच खड़े आदर मौलवी बाकी गल इवें होनी है तो मोहम्मद भी ओ नहीं ते कुरान भी ओ नहीं इस गल ओ अपने मजहब तो हटा सेल ए मुसलमानो ए तदबीरां तां वधे करें दर ताकि कई तरीके नाल तो को गुमराह करना लेकिन मैं अल्लाह प्यार दा मरदे मर वजाए ना कुरान को पछोड़ा है ना मेरे मोहम्मद जवान को पछोड़ा है बाकी अगे मैं जाना ते मेरा कम जाने वला तुमनू इल्ला लिमन तबिया दीन कोमो ते के अदन दिल नाल ओ चीज बनाए जेरा तोड़े दीन दे ताबे होवे तोड़े मजहब दे ताबे होवे ता गल मन गिना है अगर तोड़े मजहब दे ताबे ना होवे तोड़े मसलक दे ताबे ना होवे तोड़ी मिल्लत दे ताबे ना होवे ता ना पे मना है कोल मेरा पैगंबर आखो यहूदियो गल सुनो तोड़े आखा नाल ता हिदायत बननी कोई नहीं तोड़े बोल बोलन नाल ता हिदायत रहनी कोई नहीं कोल मेरा पैगंबर आख दे ना को तोड़े हक हाथ दे अंदर कहे को हिदायत देवना नहीं तोड़े हाथ दे अंदर कहे को हिदायत तू फिरा फेर के घूम रही तो के नाम ना भी कोई नहीं कोल आख दे मेरा पैगंबर इन लहुदा हुदल्लाए बेशक हिदायत तू है जरा अल्लाह जे को हिदायत चले वे असल हिदायत तू है अयो ता तुम मिसला माहूती तुम ते इन दे आदत पई ओए ख्याल रखाए ओए मेरे गे ओ यहूदियो मैं साडे भी रहो ख्याल रखाए जेरी चीज अल्लाह तो को दीती है इयो जई काए को दिस देवनी ये यहूदिया को पट्टी नाल पढ़े थे जेरी चीज तो आपको दीती है संयो था तुम मिसल माबूती तुम नहीं दी जाएगी किसी एक को मिसल वो जो दी गई है तुम्हें औ युहाजू कुमिंदा रब्बे या वो झगड़ा करेंगे तुमसे दीन हक की मुखालफत में इन दरबे को तुम्हारे रब के आ जद तू संदस लेता तो वाकी यार रसूल दे सिफता भी तुरात इज मौजूद कुरान दे भी अल्लाह जिक्र तुरात इज मौजूद कर दे तेर तो सहामी च भरी उना दे मजहब दी तस्दीक च कीती तदी जम्मत दे ना मैदान ए माशर लगसी पर तोडी खिलाफ तोडी गल्ला कोई ना गवाह बनावणे अल्लाह ए अपने मुंह नाल आ के आ दे ओदे हिंदू सब साया ने दुआ की नबी भी होए ते कुरान भी होए इस गलो ना कुरान दी तस्दीक करे ना मोहम्मद जवान दी तस्दीक करे मत दी कयामत दे तोडे वास्ते वबाले जान बन जावे कोल मेरा पैगंबर आख दे इनल फजल बिदिल्लाह ए अल्लाह दा फजल हाथ अल्लाह दे फर हाथ दे अंदर है जे को भी देवे चा ओ यहूदियो तुसा क्यों करदे पायो तो साडे सिवा मिलदा कहे को नहीं तुसा को इतने पहुंचे या सरकारा ता कोई ना अल्लाह दी मर्जी जे को नबुवत अल्लाह फजल लेना जावे जे कोई देवे चा अल्लाह कुल मेरा पैगंबर आ
अल्लाह वसीम सब पाला है उन्हें आ किसी चीज की कमी को नहीं अलीम हर एक दी हालत को जाना ले हर वक्त जाना ले कोई उस तो पूछीदा कोई नहीं यख्तसो बिरहमति मईशा अपनी रहमत नाल मुख्तस कर गिंदा है जिस को भी चांदा है वल्लाहु जुल फजल अजीम अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है इंशाल्लाह जिंदगी रही ना जोर दे टाइम सबक हो से इंशाल्लाह सवा त्रै बजे सवा तीन बजे इंशाल्लाह सबक हो से जोर दे टाइम माल है नहीं।